Hi everyone, welcome to Rest to IT. So my dear friends, today I am here to discuss 5 super most sample pattern problems for your forthcoming JE advanced exams. So you can expect 5 most important questions from differential equations. You can expect most expected questions from differential equations for your forthcoming JE advanced exams. So my dear friends, this is my Ranker Mathematics. Ranker Mathematics contains 250 video lectures, and each video lectures consists of 5 questions. Out of 5 questions, few of them from past JE advanced exams, and few of them are very scientific, innovative, constructive, conceptual questions. If you want to carry JE advanced exams with a great confidence, you have to practice these types of problem properly. मुझे जो लगता है, after practicing 1500 questions, ठीक है, your intelligent questions, speed, accuracy and confidence definitely build. ठीक है, so that time कोई भी questions आपको दिया जाए, within a minutes you can solve that questions. So my dear friends, if you want to crack JE advanced exams, ठीक है, JE एडवांस एग्जाम क्रैक करना है तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा. दैट हार्डवर्क शुड बी इन ए राइट डायरेक्शन. आप मेरे साथ हार्डवर्क कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा इस टाइप का क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए. सो दिस इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ दिस. ठीक है, इन दिस वीडियो यू विल गेट दिस 5 क्वेश्चंस. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, सो माई डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल डिस्कस लाइक दिस. दिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसा आज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 1. सो दिस इज एक्स इंटू 1 माइनस एक्स एलेन वाई. सो दिस इज डी वाई डी एक्स प्लस वाई. सो दैट इज इक्वल टू 0 है. ठीक है, सो दिस इज वट, इसे लिखो वाई डी एक्स डी वाई. सो दिस इज प्लस एक्स 1 माइनस एक्स एल एन वाई इक्वल टू 0. सो दिस इज वाई डी एक्स डी वाई, इसे लिखो. सो दिस इज एक्स एक्स स्क्वायर एल एन वाई. ठीक है, अभी वाई से डिवाइड कर दो. सो दिस इज डी एक्स डी वाई प्लस एक्स बाई वाई एक्स स्क्वायर एल एन वाई बाई वाई है. अभी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई. ठीक है, सो दैट इज वट एल एन वाई बाई दिस. अभी पुट 1 बाई एक्स इक्वल टू वी है. सो माई डियर फ्रेंड्स, डी वी डी वाई प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू एल एन वाई बाई वाई. ठीक है, एंड सो दिस इज डी वी डी वाई माइनस वी बाई वाई. ठीक है, सो दैट इज वट माइनस एल एन वाई बाई दिस. ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसका आई एफ क्या होगा, ए टू द पावर माइनस 1 बाई वाई डी वाई. सो दैट इज वट 1 बाई वाई है. ए माइनस लॉग वाई, माइनस लॉग वाई मीन्स क्या, 1 बाई वाई. सो देयरफॉर वी इंटू 1 बाई वाई, एंड सो दिस इज एल एन वाई बाई वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी है. ठीक है, अभी पुट करो. सो दिस इज एल एन वाई इक्वल टू टी है, 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू डी टी है. सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज टी, एंड हियर इज वट, ई टू दी पावर टी डी टी. वाई का वैल्यू क्या होगा, ई टू दी पावर टी है. सो माई डियर फ्रेंड्स, ई टू दी पावर माइनस टी डी टी. ठीक है, क्लियर. सो माइनस टी डी टी, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो. सो दिस इज टी, टी इंटू दिस माइनस ई टू दी पावर टी, एंड माइनस माइनस, सो दैट इज प्लस ई टू दी पावर माइनस टी प्लस सी है. सो माई डियर फ्रेंड्स, अभी ये क्या होगा, वी हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, 1 बाई एक्स. सो 1 बाई एक्स वाई, ये सारे माइनस माइनस को कॉमन ले लो. सो दिस इज प्लस है ए टू दी पर माइनस टी प्लस सी. अभी टी हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, सो दिस इज एल एन वाई, एल एन वाई प्लस 1, एंड ई टू दी पर माइनस एल एन वाई, ई टू दी पर माइनस एल एन वाई. ठीक है, सो दिस इज, सो ए टू दी पर माइनस एल एन वाई. सो दैट इज वट वाई प्लस सी है. सो माई डियर फ्रेंड्स, इसका जो सोल्यूशन है दिस. ठीक है, इसे समझने का कोशिश करो, क्योंकि ना ये थोड़ा डिफिकल्ट है. क्लियर, जैसा क्वेश्चन 2 है, देखो. सो दिस इज ट्वाइस वाई डी वाई डी एक्स. सो माई डियर फ्रेंड्स, ए क्वेश्चन बी भी देखो इसको. ठीक है, सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सो दिस इज माइनस 2x.
अभी क्या करोगे, 2x को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लो. सो दिस इज 2xy dy dx. सो दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स. एंड सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स. अभी पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू वी है. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो दिस इज ठीक है एक्स स्क्वायर. सो दिस इज वाई स्क्वायर एंड हियर इज वाट, सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज ट्वाइस वाई. सो दिस इज ट्वाइस वाई dy dx equal to is what, v plus x dv dx. So this is what, so v plus x dv dx. So this is e to the power v plus v, v cancel. A bit obviously you can do it. So this is dx by x hai. Abhi isko integrate kar do, minus e to the power minus v c plus ln x hai. So my dear friends, minus e to the power माइनस वी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मैं तो सी को इधर रख लो, ठीक है. सो दिस इज बाई एक्स इक्वल टू एल एन एक्स. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसे समझने का कोशिश करो. क्लियर, फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड देन ठीक है सॉल्व इट. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप का ही क्वेश्चन जनरली जेई एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है, ठीक है. अभी क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में क्या है देखो. सो दिस इज y प्लस डी ऑफ डी एक्स एक्स वाई. सो दैट इज व्हाट x. सो दिस इज साइन x प्लस ln x. ln x मीन्स क्या, log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस e है. सो दिस इज y. ये क्या होगा देखो. सो दैट मीन्स क्या, सो दिस इज ऑल्सो y एंड x dy dx. सो दैट इज व्हाट साइन x प्लस ln x, ठीक है. So my dear friends, x dy dx, and so this is twice y equal to x sin x plus ln x. X से divide कर दो. So this is dy dx plus twice y by x. So that is what sin x plus ln x. देखो ये तो linear differential equations हो गया. अभी तुम्हें क्या करना है, इसका if find करो. if is what e to the power 2x, so that is 2 log x. 2 log x का मतलब क्या है, x square है. So my इसका solutions क्या होगा, so this and integration, so that is sin x plus ln x dx plus c है. अभी इसको एडिट लगाना है, जैसा अलग अलग कर लो, x square sin x dx and so this is x square ln x dx plus c है. So my dear friends, x square sin x का integration minus cos x. And so this is minus minus plus x cos x dx. और इसका integration क्या होगा, ठीक है, ln x, ठीक. So this is ln x and x cube by 3, ln x by x cube by 3 minus x cube by 3. So this is what, x square by 3 है. So this is x cube, ठीक है. So this is by 9 plus c है. सो माई डियर फ्रेंड्स, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये क्या होगा, सो दिस इज एक्स साइन एक्स. एंड एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव, सो दिस इज वन, ठीक है. सो दिस इज ए साइन एक्स एंड सो अगेन कॉस एक्स. सो दिस इज वट एलन एक्स बाई एक्स क्यूब. ए आईलेट लगाना, सो नथिंग एल्स, ठीक है. यहीं से आईलेट लगा लो, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझना है, इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है. मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चंस करने के बाद आपका अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सो दैट टाइम कोई भी क्वेश्चंस आपको दिया जाए, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस इजीली, ठीक है. एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन फोर है. क्वेश्चन फोर में क्या है देखो, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स साइन ऑफ दिस x dy plus y dx and sine of xy. So that is equal plus x square y dy plus xy square dx, ठीक है, and into cos of xy. So that is equal to 0 है. ये आपको समझना है. सो माई डियर फ्रेंड्स, यहीं से क्या लग रहा है देखो. सो पहले इसको लिख लो. सो दिस इज साइन एक्स वाई, ठीक है. और ये क्या हुआ ना, सो दिस इज डी ऑफ एक्स वाई. यहीं से एक्स वाई आप कॉमन ले लो. जब एक्स वाई कॉमन लोगे, ये क्या होगा देखो, एक्स वाई कॉमन ले लो,
तो x dy प्लस y dx एंड cos ऑफ x y, सो दैट इज इक्वल टू जीरो है. सो दिस इज साइन ऑफ x y एंड d ऑफ x y, ये क्या होगा प्लस x y cos ऑफ x y एंड d ऑफ x y, सो दैट इज इक्वल टू जीरो है. वी से इंटीग्रेट करो. सो यू कंसिडर्स इन योर माइंड x y इज t है, तो साइन t dt, सो दैट इज इसका इंटीग्रेशन क्या होगा cos t, ठीक है. एंड सो दिस इज t cos t. देखो सपोज इफ यू इंटीग्रेट t cos t dt, सो हट विल गेट t sin t, ठीक है. एंड सो दिस इज sin t, सो दिस इज व्हाट प्लस cos t, ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज t मींस क्या x y sin ऑफ x y एंड सो दिस इज cos ऑफ x y इक्वल टू c है, ये इसका सब कैंसिल. सो दैट मीन्स क्या एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी है. सो माई डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशंस है. इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है, आपको समझना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ द टॉपिक्स, बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट, देन यू फील कम्फर्टेबल इन द सब्जेक्ट. सो दैट टाइम कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, यू कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग सोचेंगे एक क्वेश्चन फाइव के बारे में. सो माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन फाइव देखो, ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको ईजीएस्ट वे में रिड्यूस करना है. कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है. एंड सो दिस इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, सो दैट इज व्हाट एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है. एंड सो दिस इज एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है. सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, सो दैट इज इक्वल टू जीरो है. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो फंक्शंस है, देखो कैसे देखकर पता चलता है कि क्या अप्लाई करना है. यहीं पे जो फंक्शंस है वाई बाई एक्स है, ठीक है. सो दैट मीन्स क्या, सबको क्या करोगे, एक से देखो, यहीं पे मैंने एक से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है. एक से जब डिवाइड करोगे व्हाट विल गेट, ठीक. सो दिस इज एक से इसको डिवाइड करो व्हाट विल गेट, सो दिस इज वाई बाई एक्स कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है. एंड हियर इज ऑल्सो एक से जब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, सो हट विल गेट, सो दिस इज डी वाई माइनस वाई बाई एक्स डी एक्स, ठीक है. एंड हियर इज एक से डिवाइड करो, सो दिस इज साइन ऑफ वाई बाई एक्स एंड सो दिस इज डी वाई प्लस वाई बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो है. अभी यू राइट y by x cos of y by x, ठीक है. और इसे लिखो dy by dx minus y by x plus sin of y by x and so this is dy by dx, ठीक है. So this is dy plus y by x equal to this. अभी y by x equal to v, so that means dy dx equal to v plus x dv dx, you write. So this is v cos v, ठीक है. And so this is what v plus dv dx minus v, और ये क्या होगा, so this is sin v and here is what, ठीक है. So this is v plus dv v plus x dv dx, ठीक है. And plus v equal to zero है. इस पर तो v भी कैंसिल हो गया, ठीक है. क्लियर. अभी तुम्हें क्या करना है देखो, सो दिस इज, सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज वी कॉस वी, ठीक है. एंड हियर इज व्हाट एक्स डीवी डी एक्स, सो एक्स डीवी डी एक्स, सो दिस इज टू वी साइन वी एंड सो दिस इज व्हाट एक्स डीवी डी एक्स एंड सो दिस इज साइन वी इक्वल टू जीरो है. सो माई डियर फ्रेंड्स, ठीक है, v cos v प्लस साइन v, ठीक है, इन टू एक्स डी वी डी एक्स, ठीक है. सो दिस इज एक्स डी वी डी एक्स प्लस टू वी साइन v इक्वल टू जीरो है, ठीक है. सो एंड देन व्हाट विल डू, सो दिस इज देखो ये भी, ये क्या होगा टू v cos v प्लस साइन v dv. सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज so this is dv dx x dv dx plus
ठीक है, ट्वाइस साइन वी बाई, सो दिस इज वी कॉस वी प्लस साइन वी, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, यहीं पे सो दिस इज वी वी ट्वाइस वी साइन वी, सो माई डियर फ्रेंड्स वी कॉस वी प्लस साइन वी, सो दैट इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अभी डी वी का साथ उसे लिख लो, सो माई डियर फ्रेंड्स दिस इम्प्लाइज दैट ए वी कॉस वी प्लस साइन वी, एंड सो दिस इज व्हाट वी साइन वी, सो दिस इज डी वी, ठीक है, एंड सो दिस इज टू डी एक्स बाई, सो दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो है। अभी ए क्या होगा देखो, सो दिस इज ए सॉरी दिस इज कॉट वी, एंड सो दिस इज वन बाई वी डी वी प्लस टू डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू जीरो है। समझने का कोशिश करो, अभी इसको इंटीग्रेट कर देना है, सो दिस इज व्हाट लाइक दिस, तो कॉट वी क्या है, लॉग साइन वी, ठीक है, सो दिस इज साइन वी, एंड सो दिस इज लॉग वी, एंड सो दिस इज ट्वाइस लॉग एक्स, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू लॉग सी, सो माई डियर फ्रेंड्स लॉग ऑफ, सो दिस इज लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी वी साइन वी इंटू, सो दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी, सो दैट मीन्स क्या हो रहा है देखो, वी साइन वी इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी है, वी क्या था वाई बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू सी है, सो माई डियर फ्रेंड्स ओनली प्रैक्टिस, ठीक है, सो माई डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट, ठीक है, एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माई डियर फ्रेंड्स देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन जेई एडवांस एग्जाम्स है तो लेंदी कॉम्प्लिकेटेड यू कैन एक्सपेक्ट, सो माई डियर फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते ही आपका कॉमन बनेगा सब्जेक्ट। सो माई डियर फ्रेंड्स रिमेंबर इट, ये दो सेंटेंस, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स एज वेल एज ऑल सोशल मीडियाज अराउंड द वर्ल्ड है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एस टू आई टी। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माई वीडियो। दैट्स ऑल फ्रेंड्स।